भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा का दिव्य स्वागत किया। जिस सिंहासन पर परमात्मा बैठते थे आज उसी सिंहासन पर परमात्मा ने सुदाम देव को बिठाया। महाराज बैठो, विराजो, भगवान नीचे बैठे हैं। एक एक पटरानियों से प्रभु कहते हैं, जाओ आज उना उना गर्म जल लेकर आओ, मुझे मेरे सुदाम देव के चरण प्रक्षालन करना है। पटरानी गर्म जल लेने गई, उसी समय भगवान की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी और इसी गंगा जमुना के जल से हमारे प्रभु ने सुदामा के चरण धोए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। वाह सुदामा, धन्य है आपकी भक्ति को। जिस चरण को पाने के लिए ऋषियों भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आज वे परमात्मा आपके चरण धो रहे हैं, धन्य हो। सुदामा को प्रभु ने पीतांबर पहनाया, ऊपर उपवस्त्र ओढ़ाया। अब वो पोहे की गठरी देनी थी। बोलो राधे राधे। सुदामा जो पोरबंदर से छोटी सी पोहे की गठरी लेकर गए थे, सोचा कि ये सोने की द्वारिका में मेरे पोहे की क्या कीमत, क्या वैल्यू, नहीं 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 मुझे देना नहीं है। तो बगल में दबा रहे सुदामा, ठाकुर जी ने देख लिया कि इनको कुछ देना है लेकिन दे नहीं पा रहे। एक काम करूं, मैं इनके हाथ से छीन लूं। भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा के बगल से वो पोहे की गठरी को छीन ली। एक एक गांठ खोल रहे हैं प्रभु, मानो गांठ नहीं लेकिन सुदामा के साथ जन्मों की दरिद्रता दुख दूर कर रहे हैं भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण। एक एक गांठ खोली, भीतर देखा तो पोहे थे। भगवान कृष्णचंद्र जी ने पोहे की पहली मुट्ठी खाई, भगवान द्वारिकानाथ ने पोहे की दूसरी मुट्ठी खाई। तीसरी मुट्ठी खाने गए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु एक बात बताऊं, आपकी गड़बड़ यह है कि आप इतना आरोपते और इतना करके देते हो। बोलो राधे राधे। गड़बड़ यह है कि दो मुट्ठी आपने खाई, मैं कुछ न बोली, लेकिन तीसरी मुट्ठी में इसीलिए मैं आपको मना कर रहे हूं कि यदि तीसरी मुट्ठी पोहे की आप खा गए तो मुझे सुदामा की दासी बनकर सेवा करनी पड़ेगी। प्रभु मत आरोप, बस आप बंद करो पोहे खाने को। भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी, ये पोहे की कीमत आप नहीं कर सकती हो, इनकी कीमत तो मैं कर, इनका मोल तो मैं कर सकता हूं। तो भगवान द्वारिकानाथ ने पोहे की तीसरी मुट्ठी जो हाथ में थी सो रुक्मिणी जी के मुखारविंद में पधराई। अलौकिक स्वाद, एक एक पटरानी आई, जल्दी जल्दी पोहे की पोटली वो गठरी को खाली कर दी। अब थोड़े से पोहे थे, साफ हो गए। रुक्मिणी जी ने सुदामा से कहा, महाराज खाली इतने ही पोहे लाए, दो के एकदम जैसा लगा। चले हम भक्ति धाम से घर प्रसादी लेके